आज की वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से बात करेंगे, जिसकी रिसेंटली ही एक लैंड की, उनकी नई लैंड की जो ओपनिंग की गई है, जिनके साथ कुछ इश्यूज थे, डेडिकेशन के इश्यूज थे। तो अब अगर बात की जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो तकरीबन आपका जो 2700 कनाल का जो एरिया है वो टोटल एरिया रिक्वायर्ड था, जिसमें से तकरीबन 1800 कनाल का जो लैंड है उसको ओपन किया गया, उसकी ओपनिंग की गई। उसके बाद जो बाकी का जो 700 कनाल का जो एरिया है, 700 कनाल का एरिया वो पहले से ही था, और बच के आपके बाकी 200 कनाल का जो एरिया है तकरीबन, उसका जो है थोड़े बहुत इश्यूज चल रहे हैं अभी, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसकी ओपनिंग कर दी जाएगी। क्योंकि जाहिर बात है इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि इतने एक तो इतने बड़े रकबे पर जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक का एरिया है, तो उसमें टाइम तो लगता है। साथ साथ उसके अलावा अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में चक्री रोड वाली साइड से अगर आप इसको एंटर होते हैं एक्सेस वन रोड से, मतलब कि 400 फीट रोड के ज़रिए से अगर आप उसमें एंटर होते हैं, तो ठीक आपके लेफ्ट साइड पर एग्जेक्टिव ब्लॉक है और राइट साइड पर गोल्फ कोर्स क्लब है। इसी तरह से जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का जो एरिया है उसके सामने ही लेक व्यू कमर्शल्स है, जहाँ पर सोसाइटी की तरफ से एक ये ऑप्शन दिया जा रहा है, जिन्होंने लेक व्यू कमर्शल्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो चाहते हैं कि उनके प्लॉट में कंस्ट्रक्शन हो, तो वो अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं लेक व्यू कमर्शियल में। उनको ये ऑप्शन दिया गया और ये अनाउंसमेंट थी कि वो कमर्शियल जो लेक व्यू का कमर्शियल का प्लॉट ले ले और उस पर जो है अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2-3 माह पहले जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई थी लेक व्यू कमर्शियल्स में, जिन लोगों ने प्लॉट्स खरीद के रखे हुए थे, उन लोगों ने जो है उनकी उसकी मेरे ख्याल से उन लोगों ने जो है कंफर्मेशन पर जो पेमेंट है वो भी शायद जमा नहीं करवाई हुई किसी ने, और 90% लोगों ने कंफर्मेशन की पेमेंट जमा नहीं करवाई हुई, और उसके अलावा बाकी शायद अगर जिन्होंने जमा करवाई भी है तो उन्होंने शायद पहली क्वार्टर जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है वो जमा नहीं करवाई भी। लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये दिया जा रहा है सबसे बड़ा कि वो बुकिंग के साथ ही जो है अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो 400 फीट की जो रोड है, यानी कि एक्सेस वन रोड पर काफ़ी पैचेस पर जो है उसका कारपेटिंग का काम जो है थोड़ा अंडर प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी एरिया ऐसा है जिस पर कारपेटिंग का काम हो चुका है। इसी तरह से जो एक्सेस वन रोड की जो आपकी कनेक्टिविटी हासिल है 400 फीट रोड की, उसमें ठीक आपको ओवरसीज सेंट्रल है जो कि लेफ्ट साइड पर है, ओवरसीज सेंट्रल जी ब्लॉक है, फिर ठीक राइट साइड पर एक बहुत बड़ी मस्जिद जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की उसका पूरी तरीके से उसका जो डेवलपमेंट का काम है वो जारी है, और उसका एरिया जो बाकी है सारा जामे मस्जिद, एक बहुत बड़ी मस्जिद है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। इसी तरह से आप अगर 400 फीट रोड पर अगर आप 400 फीट पर रोड पर अगर आप एक्सेस वन जो है उसकी कनेक्टिविटी जिसको हासिल है, उसके ठीक लेफ्ट साइड पर जो है ओवरसीज सेंट्रल बी ब्लॉक है, और राइट साइड पर एक बहुत बड़ी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जामे मस्जिद है, और बहुत बड़ी उसका बकायदा तौर पर उसका आगाज किया जा रहा है। और इसी तरह से जो उसके शुरू होते साथ ही उसी पॉइंट पर, उसी रोड के पॉइंट पर जो है आपका 400 फीट रोड की एक्सेस मिल जाती है, और उसी रोड में उसी पॉइंट पर जो है ठीक लेफ्ट साइड पर ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है, जहाँ पर 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं ओवरसीज के ब्लॉक, एक ब्लॉक एफ है, ब्लॉक ई और ब्लॉक जी, ये 3 ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पर लोकेटेड हैं, और तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का जो है 5 मिनट के फासले पर लोकेटेड है। ये एक सबसे बड़ी और सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर एक बहुत एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक में ये है कि अगर हम उसके 5 मरला के प्लॉट को बाकी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करें, तो बाकी सोसाइटीज़ में आपको कम से कम 24 लाख से उनकी कीमतें शुरू होती हैं, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक में आपको सिर्फ 5 मरला का प्लॉट सिर्फ 17 लाख से उसकी कीमतें शुरू होती हैं, तो एक बहुत एक अच्छी बात है, और काफ़ी मुनासिब रेट्स पर उनके प्लॉट्स हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे जो है इनकी डेवलप होता जाएगा, वैसे वैसे इनकी कीमतों में भी इजाफा होता जाएगा। उसकी बड़ी वजह यही है कि एक तो इसको इंटरचेंज के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, और उसके साथ जो है इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, तो उससे इनडायरेक्टली मेंबर्स को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। उसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल के साथ ही आपका डॉक्टर इनक्लेव वाला जो एक ब्लॉक है, वहाँ पर जो जाते हैं जिनका अपना प्लॉट हो, फिलहाल तो उनकी बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्लॉट्स अवेलेबल हैं, अगर जो चाहते हैं कि उनका अपना प्लॉट उनके नाम हो, तो वो जो है अपने ओन रिसोर्सेज पर सोसाइटी से अप्रोच करके उस पर प्लॉट की एलोकेशन करवा सकते हैं, और उसको अपना और उस अपने प्लॉट को अपने नाम करवा सकते हैं, उसको अपने नाम पर बुक करवा सकते हैं।
उसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक क्योंकि वो हाइट पर है तो उस पर सिर्फ एक कटिंग का काम है, तो उसमें फिलिंग और पाइलिंग का काम जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो जिससे अल्टीमेटली जो है मेंबर्स को फ़ायदा होगा जब वो उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो उनका फिलिंग और पाइलिंग वाला जितना भी एक्सपेंस होगा वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। उसके अलावा अगर आप ओवरसीज प्राइम वन पर जाते हैं तो जो वाइड रोड है जो कि चक्री रोड से लेकर मोटरवे M2 तक जो है उसको जिसको कनेक्टिविटी हासिल है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के तकरीबन 26,000 से ज़ायद कनाल की जो लैंड है जो एरिया है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी सोसाइटी ने जो है प्रिक्योर कर ली है, लेकिन बाकी की जो लैंड है मज़ीद उसको एक्सटेंड किया जाएगा 1,00,000 कनाल तक जो है इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा और उस पर डेवलपमेंट का काम जारी किया जाएगा। और जैसे ही नए डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी में उस तरह से इनडायरेक्टली तरीके से जो है मेम्बरान को उतना ही फ़ायदा होगा। ये थे आज के कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिसमें हमने जो है पूरा एग्जेक्टिव ब्लॉक को डिस्कस किया और 400 फीट रोड के भी बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। इससे रिलेटेड अगर आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं थी आपकी हो समझ आवे तो आप देख रहे थे ट्रस्ट मार्क डिजिटल।